हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मैग्नेट ब्रेन्स. यहाँ मिलती है फ्री एजुकेशन किंडरगार्टन से लेके क्लास 12 तक. मैं हूँ आपके साइंस एजुकेटर डॉक्टर मुस्कान. एंड स्टूडेंट्स, मैग्नेट ब्रेन्स का हिंदी मीडियम चैनल भी अवेलेबल है यूट्यूब पे. अगर आपके फैमिली एंड फ्रेंड्स हिंदी मीडियम से, तो आप उन्हें मैग्नेट ब्रेन्स के बारे में बता सकते हैं. हमारे ई नोट्स, ई बुक्स भी अवेलेबल है. डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर गिवन जो लिंक है, आप उसे क्लिक कर सकते हैं या आप विजिट कर सकते हैं मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट पर, जो है www.magnetbrains.com. हम आपको इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर सभी जगह मिल जाएंगे. आपको बस मैग्नेट ब्रेन्स को लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है. शुरू करते हैं आज के हमारे सेशन के साथ, जो है चैप्टर नंबर 4 का एक्टिविटी 4.6. ठीक है, तो विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स स्टार्ट आवर सेशन. अब स्टूडेंट्स, सबसे पहले इस एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए आपको एक एक्सपेरिमेंट करना है, जहां पे आपको एक कंपास लेना है. ठीक है, तो यहां पे आपको टेक अ मैग्नेटिक कंपास एंड अ बार मैग्नेट. तो इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करने के लिए आपको एक कंपास लेना है और आपको एक बार मैग्नेट की जरूरत है. प्लेस द मैग्नेटिक कंपास ओवर अ हॉरिजॉन्टल सर्फेस. अब आप इस मैग्नेटिक कंपास को एक हॉरिजॉन्टल सर्फेस के ऊपर ऐसे प्लेस कर दो. नाउ स्लोली ब्रिंग द नॉर्थ पोल ऑफ द बार मैग्नेट क्लोज टू द नॉर्थ पोल ऑफ द कंपास. अब आप गौर से देखो, ध्यान से देखो कि अब आपको इस बार मैग्नेट का नॉर्थ पोल क्या है. तो इस बार मैग्नेट का नॉर्थ पोल इस कंपास के पास के इस कंपास के नॉर्थ पोल के पास लाना है. आई बात समझ में? सो यहां पे आपने बार मैग्नेट का नॉर्थ पोल इस कंपास के नॉर्थ पोल के पास लाया. नाउ स्टूडेंट्स, ऑब्जर्व द कंपास केयरफुली. अब ऑब्जर्व करना है इस नीडल की कंपास को बहुत ध्यान से. What do you observe? Does the needle deflect? And if yes, in which direction? तो students, हमने क्या पढ़ा था previous session में, कि opposite poles attract each other and similar poles or like poles repel each other. तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है कि हमने bar magnet का north pole compass के north pole के पास लिया है. तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम दो लाइक पोल्स को पास ला रहे हैं. तो यहां पे नीडल डिफ्लेक्ट करेगी, बिल्कुल डिफ्लेक्ट करेगी, लेकिन किस डायरेक्शन में मूव करेगी नीडल? नीडल मूव करेगी अवे फ्रॉम द मैग्नेट. क्यों? क्योंकि यहां पे दो लाइक पोल्स हैं और इधर पे क्या होगा, फोर्स ऑफ रिपल्शन. वो दोनों एक दूसरे को अपने से दूर फेंकेंगे. तो जैसे ही आप नॉर्थ पोल को इस कंपास के नॉर्थ के साथ लाओगे, ये जो नीडल है ये अवे चली जाएगी. क्या चली जाएगी? अवे फ्रॉम द नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेट. आई बात समझ में? अब यही मैं आपसे बोलूं कि ये साउथ पोल है और ये नॉर्थ पोल है. तो जब आप साउथ पोल ऑफ द मैग्नेट को नॉर्थ पोल ऑफ द कंपास के पास लाओगे, तो अब क्या होगा? अब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. वेरी गुड, क्योंकि यहां पे क्या हो गए, दो ऑपोजिट पोल्स, ऑपोजिट अट्रैक्ट ईच अदर. तो यहां पे कंपास की जो नीडल है वो डिफ्लेक्ट दूर नहीं होगी, जबकि वो पास में मूव करेगी, क्योंकि यहां पे क्या हो रहा है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. वो एक दूसरे को खींचेंगे एक दूसरे की तरफ. आई बात समझ में? चलिए, तो यही एक्सपेरिमेंट से आपको समझना था. नाउ रिपीट द अबव स्टेप विद द साउथ पोल ऑफ द मैग्नेट. अब आपको यही जो मैंने आपको बताया कि जब आप साउथ पोल लाओगे मैग्नेट का नॉर्थ पोल के पास, तो क्या होगा, तो वहां पे क्या होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. क्यों? क्योंकि दो ऑपोजिट पोल्स हैं. ठीक है, नाउ अब आपको दोनों के डिफरेंस बताने हैं. तो यहां पर हम एक बार डिफरेंस लिख देते हैं. तो जब हम यहाँ पे हमने नॉर्थ पोल रखा, यहाँ पे भी हमने नॉर्थ पोल रखा, एक बार हमने बार मैग्नेट के नॉर्थ पोल को पास में ले आए और यहाँ पे हम बार मैग्नेट के साउथ पोल को पास में ले आए. क्योंकि यहाँ पे दो सिमिलर पोल्स हैं, इसीलिए क्या होगी, नीडल विल डिफ्लेक्ट अवे. यहाँ पे नीडल कैसे डिफ्लेक्ट होगी, दूर, अवे फ्रॉम द नॉर्थ पोल. क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है फोर्सेज ऑफ रिपल्शन. ये दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे. क्या करेंगे? एक दूसरे को रिपेल करेंगे. अब यहीं पे अगर मैं यहां की बात करूं, तो यहां पे है क्या, दो ऑपोजिट पोल,
और यहाँ पे है फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन. यहाँ पे क्या है? फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन. और यहाँ पे क्या होगा? नीडल विल डिफ्लेक्ट टूवर्ड्स द साउथ पोल. आई बात समझ में? यहाँ पे वो साउथ पोल के पास डिफ्लेक्ट होगी. आई बात समझ में? यहाँ पे अवे, यहाँ पे टूवर्ड्स. आई बात समझ में? तो यही ऑब्जर्वेशंस आपको नोट डाउन करने हैं. अब देखते हैं यहाँ पे. सो द कंपस नीडल इज ऑल्सो अ मैग्नेट. तो सिमिलरली जो कंपस की जो नीडल है ये भी एक मैग्नेट ही तो है, ये भी एक मैग्नेट ही है. तो जब भी आप मैग्नेट के, ये सपोज नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, तो जब भी आप मैग्नेट के दो सेम पोल्स को पास ले आओगे तो वो रिपेल करेंगे, यानी कि एक दूसरे को दूर भेजेंगे. और जब भी आप दो ऑपोजिट पोल को लाओगे ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे. आई बात समझ में? तो यही आपको इस एक्सपेरिमेंट से पता लगा. ठीक है. नाउ स्टूडेंट्स, ये रहा आपका फाइनल आंसर कि व्हेन द नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेट इज ब्रॉट क्लोजर टू द नॉर्थ पोल ऑफ द कंपस नीडल मूव्स अवे. तो कि जब भी नॉर्थ पोल, यानी कि देखो यहाँ पे देखो, जब भी नॉर्थ पोल ऑफ द कंपस के पास लाएगा नीडल विल मूव अवे. ठीक है, यहाँ पे देखो नीडल विल मूव अवे. और इसी जगह पे सेकेंड सिचुएशन में जब भी हमने साउथ पोल को नॉर्थ पोल के पास ले आया तो नीडल कहाँ है? इधर है ना, तो नीडल विल मूव towards the south pole. आई बात समझ गए? So when the south pole of the magnet is brought close to the north pole of the compass needle, it moves closer, या it moves towards, क्योंकि force of repulsion in the case of like poles and forces of attraction in the case of opposite poles. आई बात समझ में? चलिए. So ये देख लेते हैं. Suppose we place a piece of wooden between the compass needle and the magnet, will this affect the deflection of the compass, or if yes, why? और इसी बीच में अगर आप एक wood को रख दोगे तो क्या अभी भी वो deflect करेगी या अब उसका deflection में difference आ जाएगा? So students, wood क्या है? Wood magnet नहीं है, और ना ही wood को हमने charges दिए हैं, और ना ही wood लेता है charges. तो क्या imagine करो, सोचो कि अगर इस compass, इस experiment के बीच में, यहाँ पे देखो, यहाँ पे इस experiment के बीच में आप एक wood को रख लो, ठीक है, आप एक wood के piece को रख लो, तो क्या अभी भी एक्सपेरिमेंट परफॉर्म हो पाएगा? अभी भी क्या नीडल डिफ्लेक्ट करेगी या नहीं करेगी? तो ये आपको फाइंड आउट करना है, और ये आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है. सो ये है आपका होमवर्क क्वेश्चन कि आपको मुझे बताना है इस चीज का आंसर कि जब भी हम एक वुडन पीस को इस एक्सपेरिमेंट के बीच में रख देंगे तो क्या अब तब भी नीडल डिफ्लेक्ट करेगी या तब नीडल डिफ्लेक्ट नहीं करेगी? इज दैट क्लियर? तो जल्दी से मुझे इसके आंसर्स कमेंट सेक्शन में बताओ, और इसका जो करेक्ट आंसर है वो मैं आपको अगले सेशन में बताऊंगी. आई बात समझ में? चलिए. ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसी के साथ हमने अपना सेशन फिनिश कर लिया है. मैं आपको बता दूं कि मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसा मात्र प्लेटफॉर्म है जो बिल्कुल फ्री एजुकेशन आप तक डिलीवर करता है, किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक. हम आपको ई नोट्स एंड ई बुक्स भी प्रोवाइड करते हैं. डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर गिवन जो लिंक है आप उसे क्लिक कर सकते हैं, या विजिट कर सकते हैं मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट पर जो है www.magnetbrains.com. जैसे ही मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट आप विजिट करेंगे आपको क्लिक करना है इस ऑप्शन पर जो है ग्रैब ई नोट्स. डेली प्रैक्टिस पेपर्स, वीडियोज, लेक्चर्स, टॉपिक वाइज सभी कुछ मिल जाएगा. मैग्नेट ब्रेन्स की जो वेबसाइट है वो आप अपने फ़ोन, लैपटॉप, कंप्यूटर, टैबलेट कहीं पर भी एक्सेस कर सकते हैं. हमारे दोनों ही मीडियम्स यूट्यूब पर अवेलेबल हैं, इंग्लिश हिंदी मीडियम दोनों ही. CBSE बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, MP बोर्ड के साथ साथ मैग्नेट ब्रेन्स और कोर्सेज भी प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि वैदिक मैथ्स, क्रैश कोर्स एंड स्पोकन इंग्लिश. सो स्टूडेंट्स, मिलते हैं अगले सेशन में. टिल देन स्टे ट्यून्ड एंड हैप्पी लर्निंग.